Hello, welcome to Air Banking Classes. Powered by Adda 247, Study Center for Bank, SSC, Railway, State Seated and Defense Exam. तो आज हम यहाँ पे 15 हिस्ट्री क्वेश्चन लेने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो SSC एंड रेलवे एग्जाम्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं. ठीक है, तो इसका चलिए शुरू करते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो शाहजहाँ बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ, किन के में शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया था तो किन किसके मेमोरी में वो बनवाया था. तो सही आंसर रहेगा आपका मुमताज महल, जो उसके मिसेस थी, वाइफ, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर. मुमताज महल के नाम पे, मतलब उनकी वाइफ के नाम पे उन्होंने ताजमहल बनवाया था. वो कमीशन हुआ था 1631 पे. आपको ये ईयर भी आपको याद था रखना, 1631 पे वो कमीशन किया गया था. ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान मेरिड डैश शी वॉज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्र गहादवल. से पृथ्वीराज चौहान ने जिसको शादी की थी, मतलब उनके एनिमी की बेटी को शादी की थी. ठीक है, तो उन बेटी का नाम पूछ रहा है किसको, मतलब उनकी वाइफ के नाम क्या है. तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो है संयुक्त. तो देखिए यहाँ पे और एक बात मैं बता रहा हूँ, संयुक्त के और अल्टरनेट नाम भी है. ठीक है, संयुक्त आपके और एक नाम है, इसका नाम है संयोगिता. आप इसको याद रखिएगा, संयोगिता, संयोगिता. ठीक है, यह नाम आप याद कर लीजिएगा. कभी कभी ऑप्शन में संयुक्त ना रह के संयोगिता भी रह सकता है. ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने शादी की तो उनके एनिमी के बेटी को, उनका नाम है संयुक्ता, ऑप्शन नंबर सी, नहीं तो उनका और एक दूसरा नाम है संयोगिता. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब पुट हिज फादर डैश अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट. ठीक है, औरंगजेब ने अपने मतलब पिताजी को अरेस्ट किया था आगरा फोर्ट में, उसको बंदी बनाए थे, तो उनका पिता का नाम क्या था. तो औरंगजेब का पिता का नाम है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, शाहजहां है उनके पिता. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर, अकबर वाज बॉर्न इन द ईयर, ठीक है, कौन से मतलब सन में अकबर का जन्म हुआ था. सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था. ठीक है, और इसका अगर डेट पूछ ले आपका 1500 है, तो ईयर है 1542 में उसका जन्म हुआ था, तो उनका पर्टिकुलर डेट है अक्टूबर 15. ठीक है, 1542 अक्टूबर 15 में अकबर का जन्म हुआ था. देखिए ये सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी फेसबुक में दे दिया हूँ, लेकिन इसका वीडियो में बनाया कारण इसका डिटेल्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में जैसे आपको मैं बोल सकूँ, जैसे कि 1542 में उनका जन्म हुआ था, साथ के साथ अक्टूबर 15 में जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको दे रहा हूँ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड किनके बीच में, मतलब बैटल ऑफ टेरेन हुआ था. तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद घोरी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ टेरेन हुआ था. ठीक है, और आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो मोहम्मद घोरी का जो सेना था, जो आर्मी था, उनका उस आर्मी का नाम था घुरिद, GHURID, घुरिद. ठीक है, मोहम्मद घोरी का जो सेना था उनका नाम, उस सेना को बोलता था घुरिद, GHURID. एंड पृथ्वीराज चौहान के जो आर्मी थे, उस आर्मी का नाम था राजपूत आर्मी. ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जो आर्मी था वो आर्मी थे राजपूत आर्मी एंड वर्सेस घुरिद, जो घुरी मोहम्मद घुरी का जो सेना थे उनको बोलते थे घुरिद आर्मी, एंड पृथ्वीराज चौहान के जो सेना थे उनको बोलते राजपूत आर्मी. ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब बैटल ऑफ टेरेन हुआ था. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर सिक्स, बृहद्रथ वाज द रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी. बृहद्रथ वाज द रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य. ऑप्शन नंबर बी, मौर्य. बृहद्रथ वाज द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. ठीक है, इसमें तो और एक बात यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो बृहद्रथ मौर्य जो ऑप्शन नंबर बी पे बृहद्रथ मौर्य, हाँ, वो थे मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर. यहाँ मैं आपका और एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बृहद्रथ जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी से थे, एंड मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ मौर्य. ठीक है, ये मतलब बृहद्रथ मौर्य लास्ट रूलर भी थे.
ये आपको याद रखना है साथों साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु बिल्ड जोधपुर फोर्ट। जोधपुर फोर्ट किसने बनवाया था? जोधपुर फोर्ट बनवाया था, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राव जोधा। ठीक है, राव जोधा ने बनवाया था जोधपुर फोर्ट। और कहाँ पे है वो? है जोधपुर पे ही है, राजस्थान। इस क्या है वो लार्जेस्ट फोर्ट्स है इन इंडिया, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया जोधपुर फोर्ट। और कब बनवाया था ये? लगभग 1460 में, लगभग 1460 में जोधपुर फोर्ट बनवाया था जो राजस्थान जोधपुर में है, एंड वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रेलवे के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया। जब मैं क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ रहा हूँ ना, तो आप अपने दिमाग में भी इसका आंसर सोच लेना कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद मैं इसका आंसर तो बोलूँगा ही, लेकिन आप खुद से एक बार मैं आंसर बोलने से पहले गेस कर लेना, ये आपको पता है तो बोल देना कि आंसर है, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे आपको बढ़ जाएगा। व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया, वो है आपका बंगाल गैजेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा बंगाल गैजेट। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं और एक बात, कोलकाता में हुआ था पब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट न्यू पब्लिश हुआ था फ्रॉम कोलकाता से, किसके द्वारा? बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा वो प्रकाशित हुआ था फर्स्ट कोलकाता से। ठीक है, एंड इट वाज़ द फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, इसको याद रखना, इट वाज़ द फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। एंड कब शुरू हुआ था इस डेट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको तो पता हो गया कि व्हिच वाज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया, ये तो आपको हो गया कि ऑप्शन नंबर बी बंगाल गैजेट। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था फ्रॉम कोलकाता से? वो जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 1780 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, 1780। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द पेशवास ऑफिस वाज मोस्ट पावरफुल अंडर, द पेशवास ऑफिस वाज मोस्ट पावरफुल अंडर, ऑप्शन नंबर रहेगा बी बाजीराव वन। ठीक है, पेशवास के जो ऑफिस थे वो बाजीराव वन के समय बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही पावरफुल था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुष्यमित्र वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। पुष्यमित्र किस वंश के शासक थे? वो ऑप्शन नंबर है आपका डी संगा। उनका नाम ही है पुष्यमित्र संगा, तो पुष्यमित्र संगा जो है वो पुष्यमित्र संगा डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साथ में और एक चीज़ इसमें बोल देता हूँ, जो संगा डायनेस्टी है, संगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो भी है पुष्यमित्र संगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रहा है, पुष्यमित्र है संगा डायनेस्टी से, एंड संगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो पुष्यमित्र संगा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, अजमेर शरीफ और दरगाह शरीफ इज ए सूफी श्राइन दरगाह ऑफ विच सूफी सेंट। अजमेर शरीफ या दरगाह शरीफ किस सूफी संत का एक सूफी मंदिर दरगाह है? ठीक है, इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ या दरगाह शरीफ इज ए सूफी श्राइन दरगाह ऑफ विच सूफी सेंट, वो मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, एंड अजमेर शरीफ और दरगाह शरीफ कहाँ पे है? वो अजमेर में है, राजस्थान इंडिया। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ड बाय, द खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन नंबर डी चांडेलास राजपूत। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो चांडेलास राजपूत के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, वो जितने सारे मंदिर थे टेम्पल से बहुत ही सुंदर थे, वो ब्यूटीफुली बिल्ड थे एंड डेकोरेटेड थे बिल्डिंग्स, वो मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश में है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि खजुराहो जो टेम्पल्स है, खजुराहो जो टेम्पल्स है,
चंडेला राजपूत ने बनवाया था एंड वो कौन से स्टेट में, वो एमपी में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कब बनवाया था वो, लगभग आपका ये 1900 AD, 1900 AD से लगभग 1130 AD के बीच में खाजोरा वो टेंपल बनवाया था चंडेला राजपूत के द्वारा मध्य प्रदेश में है। टोटल लगभग 85 टेम्पल्स हुआ था, 85 टेम्पल्स टोटल ओरिजिनली बिल्ड हुआ था। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लिख लिख के जाना पर सुनने के साथ साथ कॉपी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रणथंबोर वाज, रणथंबोर क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि रणथंबोर क्या था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अ राजपूत फोर्ट। रणथंबोर था एक राजपूत फोर्ट। ठीक है, द रणथंबोर वाज बिल्ड बाय, किसने किया था उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन, रणथंबोर वाज बिल्ड बाय राजपूत फोर्ट एंड चौहान रूलर, चौहान रूलर ने बनवाया था रणथंबोर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो आपको पूछ रहा है कि वेयर वाज सेंट कबीर बॉर्न, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, संत कबीर का जन्म हुआ था कहाँ पे, वो आंसर सही रहेगा आपका वाराणसी। 15 सेंचुरी में, इन 15 सेंचुरी में वाराणसी में कबीर, संत कबीर का जन्म हुआ था। ठीक है, एंड ये थे आपका 15 क्वेश्चंस जो फ्रॉम हिस्ट्री से, जो लगभग हर एक एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन देखा जा चुका है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर से ये सब क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूँ, तो आगे पीछे और भी इस तरह से हर एक चैप्टर्स के ऊपर, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के ऊपर, और एक आपको इस तरह से क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए क्वेश्चंस के लिए। एंड साथ ही साथ मैं हम लोगों का जो ब्लॉग है, ब्लॉग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आपका रोज़ का रोज़ क्वेश्चंस के अपडेट, न्यूज़ वगैरह आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस मतलब, और जीके एंड ऑनलाइन क्विज वगैरह वहाँ पे आप दे सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़िए अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय, जय हिंद।